व्हीलैंड कैरियर ग्रामर स्कूल नाजमाबाद के 46 साल मुकम्मल होने पर ओपन हाउस की तकरीब मुनक्द की गई, जिसमें केक भी काटा गया। इस मौके पर स्कूल के तुलबा ने टैबलोज पेश किए, जबकि साइंसी नुमाइश, रोबोटिक और हेल्थ एंड हाइजीन सेशन के अलावा मैजिक शो, मिनी जू, मुख्तलिफ गेम्स का इनका भी किया गया, जिसे शुरका ने बेहद सराहा। तकरीब के मौके पर ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के मरकजी चेयरमैन और व्हीलैंड कैरियर ग्रामर स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद तारिक शाह, वाइस प्रेसिडेंट अतीक नसीर शमसी, सदर कराची रीजन फुरकान बिलाल, सेक्रेटरी यूथ वलीद बारकसई, साबिक चेयरमैन डीएमसी सेंट्रल मोहम्मद रेहान हाशमी, प्रिंसिपल नुसरत खालिद, वाइस प्रिंसिपल रमशा तारिक, डायरेक्टर सैयद ताहिर शाह, कोऑर्डिनेटर मदिया खालिद, खुदा गरीब, जेबा इम्तियाज, जावेद आमिर अली, मोहम्मद हसन, सरफराज अहमद खान, एम तलहा, माहिर तालीम और समाजी रहनुमा लुबना खालिद, रोटरी क्लब ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट सबा कादिर, मदिया अली और दीगर भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए ब्रिलियंट कैरियर ग्रामर स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद तारिक शाह ने ब्रिलियंट कैरियर ग्रामर स्कूल के 46 साल मुकम्मल होने पर इंतजामिया को मुबारकबाद देते हुए कहा कि शहीद सैयद खालिद शाह की काविशों से लाखों तुलबा को जेवर तालीम से आरास्ता किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ब्रिलियंट कैरियर ग्रामर स्कूल के फराग तहसील तुलबा मुख्तलिफ ममालिक में बतौर डॉक्टर, इंजीनियर और दीगर शोबों में खिदमात सर अंजाम देकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सैयद तारिक शाह ने कहा कि तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता, इसके लिए मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में निजी तालीमी इदारे अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि साइंसी नुमाइश में तुलबा की जानिब से रखे गए साइंसी प्रोजेक्ट्स इस बात की जमानत है, पाकिस्तानी तुलबा तालीम के साथ दीगर जदीद उलूम में भी महारत हासिल कर रहे हैं, ताकि वो भी 21वीं सदी में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। सैयद तारिक शाह ने कहा कि 21वीं सदी आईटी और रोबोट्स की सदी है, जिसमें स्कूल के तुलबा तरबियत और महारत हासिल करके पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर सकेंगे। फॉर फर्दर एजुकेशनल न्यूज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे कनेक्टेड।